ये लोग जाति समाज सबको तोड़ना चाहते हैं। राजद के एक मंत्री देश के सैनिकों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा मंत्री रामचरित्र मानस के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति तब हुई जब पंडित रघुनाथ जाग जी का कृपा हुआ। हम सबके साथ सबके विकास और सबके प्रयास की बात करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और सरकार में मंत्री आलोक मेहता का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग अंग्रेजों की गुलामी दलाली करते थे। कई तरह की बातें ब्राह्मणों को लेकर की गई और जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गया बिहार में कि तेजस्वी यादव अगड़ा पिछड़ा कराना चाहते हैं। लालू यादव के ढर्रे पर तेजस्वी चल रहे हैं और तेजस्वी यादव ए टू जेड नहीं, तेजस्वी की नीयत और नीति अग्रे पिछड़े की रही है। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाला है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव की उत्पत्ति ब्राह्मण से है। लालू प्रसाद यादव राजनीति में तब आए जब रघुनाथ झा ने लालू प्रसाद को आगे किया और आज राष्ट्रीय जनता दल के लोग बात करते हैं। सम्राट अशोक को आगे बढ़ाने वाला भी ब्राह्मण था। सभी लोगों को साथ लेकर चलना है तभी राजनीति संभव है। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके का बयान दे रही है वो बयान वाकई में बिहार में और देश की राजनीति में देने लायक नहीं है। राजद क्या करना चाहती है, क्या करवाना चाहती है, ये तो स्पष्ट हो चुका है। लेकिन हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी जातियों का सम्मान हो और सभी को साथ लेकर चला जाना चाहिए। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल क्या करना चाहती है और खुद लालू प्रसाद यादव ब्राह्मणों की उत्पत्ति हैं, ब्राह्मणों की उपज हैं। लालू की राजनीति की शुरुआत ब्राह्मणों की वजह से हुई और उनके ही पार्टी के नेताओं की तरफ से यह बयान आ रहा है तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है और देश में अगड़ा पिछड़ा कराने की साजिश है। सुनवाते हैं सम्राट चौधरी के बयान को, क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार की राजनीति में आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह का बयान राजद के नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट है कि ये लोग जाति समाज सबको तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि राजद के एक मंत्री देश के सैनिकों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा मंत्री रामचरित्र मानस के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और तीसरा मंत्री आजकल जो बयान आया, उनको ये पता होना चाहिए था कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति तब हुई जब पंडित रघुनाथ जाग जी का कृपा हुआ और सम्राट अशोक सम्राट चंद्रगुप्त की उत्पत्ति भी यदि पंडित चाणक्य नहीं होते तो नहीं हो सकता था। इसलिए ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान और बिहार में सभी के सहयोग से सब लोगों का साथ लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश और सख्ती के साथ पालन किया जा रहा कि हम सबके साथ सबके विकास और सबके प्रयास की बात करते हैं, सबकी चिंता करते हैं, सबको मिलाकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386